खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम लेकर आ रहे हैं दावों का सत्य परीक्षण। नेता आते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, जनता उसे ही सच मान लेती है, लेकिन क्या वो सच होता भी है? आपकी इस मुश्किल को आसान करेगा हमारा सत्य परीक्षण। आज से नेताओं को सिर्फ सुनिए नहीं, एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ में उनके दावों का सत्य परीक्षण भी देखिए और फिर बजाइए जोरदार घंटी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों का सत्य परीक्षण होने वाला है। ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के इस कार्यकाल को संपन्न कर रही है तो विगत 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रदेश की एक उस तस्वीर को जो पूरे देश के अंदर बदतर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी, जहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता एक बदनुमा दाग के रूप में प्रदेश के ऊपर लगा था, हम उससे उभारने में प्रदेश को सफल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे आपने सुन लिए, अब बारी है सत्य परीक्षण की। योगी का दावा है उत्तर प्रदेश में उनके 2 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन 14 मार्च 2018 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट कहती है 2017 में उत्तर प्रदेश में 195 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। 2017 में यूपी सांप्रदायिक हिंसा के मामले में देश में नंबर 1 था। 2016 में यूपी में 162 सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई। 2016 के मुकाबले 2017 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर राजस्थान था। एबीपी न्यूज के सत्य परीक्षण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दंगों पर किया गया दावा गलत साबित हुआ है।